विकास से हमेशा सहूलियत मिलती है, लेकिन हम आज ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जहां पर विकास ही परेशानी का सबब बन गया है। इस समय मैं हूं होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम जिला मुख्यालय में, और हम बात कर रहे हैं आज नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहां पर एक डेवलपमेंट हुआ है, एक फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है। ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस ब्रिज से लोगों को परेशानी हो रही है। पूरा आखिरकार माजरा क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उस फुट ब्रिज की, जो पुराना था, लंबे समय से था, और अब ये बंद हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि हम इस ब्रिज को देखें तो यहाँ से, हालांकि अब आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। छोटा सा ब्रिज था, और इस ब्रिज के जरिए रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म नंबर से दूसरी प्लेटफॉर्म की ओर ये खुलता था, और छोटा सा ब्रिज था। और इस ब्रिज से न सिर्फ वो लोग जो रेल यात्रा करते हैं, बल्कि शहर के बीचों बीच स्टेशन होने के कारण शहर की आधी आबादी उस पार इस ब्रिज से जाया करती थी। अब हुआ क्या वो समझते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। साहब, ये ब्रिज को क्या हुआ था? इसको टूट गया था सर, कोरोना काल में तोड़ दिया कर, बहुत परेशानी जाती हम लोग। किसने तोड़ दिया? ये सब रेलवे के कर्मचारी द्वारा और लेबर द्वारा तोड़ा गया है। नहीं, ब्रिज तो सर भूखों तो रेलवे वाले क्यों तोड़े? रेलवे द्वारा तोड़ा गया है। रेलवे वाला तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया? अब ये हमें नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि नया ब्रिज बना दिया गया है, इसके लिए इसे तोड़ा जा रहा है। तो ये ठीक ठाक स्थिति में था? बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में था, आवक जावक पूरी तरह चालू था। आवक जावक चालू थी, पूरी तरह आवक जावक चालू थी, बहुत अच्छी स्थिति में है ब्रिज था। यहाँ से शहर की आधी आबादी शहर की इस साइड है, शहर की आधी आबादी इस साइड, लगभग 1.5 लाख आदमी से ब्रिज से आना जाना करते थे प्रतिदिन। बच्चियाँ कॉलेज जाती थी, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह सभी। आपसे और विस्तार में चर्चा करूँ, उससे पहले बताइए कि आपका जो स्टेशन है शहर के बीचों बीच है, आधी आबादी इधर है, आधी आबादी उधर है, थोड़ा समीकरण क्या है? समीकरण दो भागों में बांट दिया गया है इस समय। हाँ। और आधी आधी आबादी, मगर यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता नेताओं द्वारा। हाँ। यहाँ की जनता, अभी आप नेताओं की बात नहीं कर रहे, अभी आप वो समीकरण समझाइए, होशंगाबाद के समीकरण क्या है? समीकरण ज्यादातर जनता जनसंख्या इसी तरफ है, वहाँ पर तो पुराने लोग रहे हैं, पुरानी बसीगत है, अब पूरी नई और ग्वालटोली पूरी यहाँ बसी हुई, लगभग 1.5 लाख की आबादी, 1.5 लाख के लगभग आबादी है। और पुराना कह सकते हैं कि जो स्टेशन है ये बीच में शहर के सेंटर में स्टेशन है ना। अब दोनों इलाकों में जाने के लिए रास्ते कौन कौन से? रास्ता एक ये है और एक ओवर ब्रिज है, ये बंद हो चुका, और एक नया ब्रिज बनाया गया, वह लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ता है वो तो जब जाके। अच्छा। वो प्लेटफार्म के अंदर से जाना पड़ता है, और अंदर से जाने के बाद प्लेटफार्म। ये ब्रिज क्यों तोड़ा गया? वैसे ही तोड़ा, ये ब्रिज उन्होंने बोला कि खराब हो गया, जबकि कोई खराब नहीं था, सब आते जाते थे। दूसरा बनाएंगे बोले, दूसरा बन रहा है वो, इसलिए तोड़ा गया। तब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्याम ठाकुर। ठाकुर साहब बताइए ना कहानी। सर, ये ब्रिज जब तोड़ा था तो ये कहा गया था कि इसको हम दूसरा बनाएंगे, ये ब्रिज जर्जर हो चुका, ये कभी भी टूट सकता है। तो जर्जर था क्या? क्या नहीं सर, कुछ नहीं सर, बराबर था, सब लोग आ जा रहे, सब लोग बढ़िया था, कुछ नहीं था उसमें। तो फिर क्यों तोड़ा गया? ठीक था, पता नहीं सर, कोरोना काल में हम लोग को थे ही नहीं, जब दो तीन दो रेलवे अपने काम में लगी रही, और घर में कोई घर से बाहर को निकल नहीं पाया, इस टाइम तोड़ा गया ये। तो अब ये ब्रिज बंद हो गया, तो आप बोल रहे हैं परेशान है, क्यों परेशान? क्यों परेशानी है सर, लोग जाएं कहाँ से निकले बताइए, सभी लोग परेशानी है। आज मान लो प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, होशंगाबाद प्लेटफॉर्म टिकट लेना हो, तो दो नंबर जाना पड़ेगा, दो नंबर से प्लेटफॉर्म पर एक पे आएंगे, कहीं जाना हो तो ये समस्या हो गई। स्कूल भी जाते हैं बच्चे, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, बाजार हाट जाना है। आपका एक ब्रिज जो है रेलवे कह रही है कि जर्जर था, तोड़ दिया, दूसरा बना के दे दिया, फिर काय की परेशानी? कैसे जाएंगे उतना लंबा सर, कैसे जाएंगे सर? रेलवे वालों लंबा है, बहुत लंबा सर, ज्यादा लंबा है, बहुत लंबा है, और बाहर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, प्लेटफार्म कितना चलना पड़ता है? और बताइए मुझे यदि मुझे होशंगाबाद रेलवे स्टेशन से टिकट लेना है, ठीक है ना, लगभग 1 किलोमीटर। अभी क्या स्थिति, अभी कहाँ से? अभी यहाँ से जाके पास में ही टिकट ले लेते, ठीक है, अब यहाँ से जाना है, आप चलिए चलिए ना, जरा चलते हैं ना, कि आखिरकार टिकट लेने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। अब हम बात करें, मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूँगा। दरअसल जो ब्रिज टूट चुका है, और रेलवे स्टेशन का यदि आपको टिकट लेना है तो इस ब्रिज पर चढ़ने के बाद थोड़ा सा पार करेंगे और आसानी से टिकट मिल जाता था, लेकिन अब नया ब्रिज बनाया गया है, लोग कह रहे हैं कि परेशान होना पड़ रहा है, बड़ी काफ़ी दूर तक जाना पड़ेगा, आखिरकार कितनी दूर जाना पड़ेगा? चलिए वहाँ
कहाँ चलते हैं? ये पुल बाहर से निकला है तो बाहर चले जाते हैं, वो पुल बाहर से नहीं निकला, अंदर से जाओ बगैर टिकट कैसे जाओगे? अंदर जाओगे तो टिकट लेना पड़ेगा। यदि आपको टिकट लेने जाना है तो 2 किलोमीटर घूम के जाओ, क्योंकि उसको या तो उसको बाहर से उतार दिया जाए, बाहर से रास्ता दिया जाए, बाहर से दोनों तरफ बाहर उतार दिया जाए। के लिए बनाया गया है, आम लोगों के लिए नहीं बनाया गया, जो बाहर के जो प्रवासी हम लोग हैं हमारे लिए नहीं है, ये यात्रियों के लिए है। ये तो यात्रियों के लिए, जो जिसकी प्लेटफार्म टिकट ली जाएगी, नहीं तो अन्य तक कोई भी कानून कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ से प्लेटफार्म पर जाएंगे तो टिकट लेना अनिवार्य है प्लेटफार्म, और वो तो अंदर है, बाहर तो उतरा नहीं है वो ब्रिज, तो पब्लिक कैसे जाएगी वहाँ से? अब हम रेलवे स्टेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल हम जो टिकट लेने की हम बात कर रहे हैं कि हमको टिकट लेना है, लेकिन हम टिकट कैसे लेंगे? जो कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा उसके लिए, तो अब हम जो मौजूद हैं, हम रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर चुके हैं, और क्या यहाँ टिकट मिलेगा? नहीं, क्या भैया टिकट मिल जाएगा क्या? जनरल टिकट मिल जाएगा क्या भोपाल के लिए? नहीं मिलता है। तो हम यदि प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो चूंकि यहाँ से टिकट तो मिल नहीं रहा, तो एंट्री कैसे करेंगे हम? प्लेटफॉर्म टिकट भी 2 नंबर पर अवेलेबल है, बुकिंग वहाँ पर है। तो देखिए, अब सबसे बड़ी जो खामी इस बात को लेकर है कि हम स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, हमने यहाँ पर पूछा क्या रेलवे टिकट मिलेगा यात्रा के लिए? नहीं मिलेगा। क्या यहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोनों ही टिकट यहाँ से नहीं मिलेंगे, और हम प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए हैं। यदि यहाँ पर मुझे TC मिलता है तो क्या होगा फिर? टिकट होगा तो वो विदाउट टिकट जुर्माना कर देगा आप पे। मुझे तो टिकट दिया ही नहीं है ना यहाँ से। टिकट तो प्लेटफार्म टिकट उस तरफ मिलता है, जैसे समस्या है ना कि इधर वाला टिकट या तो घूम के जाए उस तरफ टिकट मिलता है, इधर टिकट भी नहीं मिलते। प्लेटफार्म टिकट पटरी फैल कर तो RPF वाले बंद कर देंगे, तो ये समस्या है। या तो देखिए, पहली खामी हम जो देख पा रहे हैं, पहली खामी ये है कि जो ब्रिज तोड़ा है, टूट गया है, तोड़ा गया है। उसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर ना ही तो आपको जनरल टिकट मिलेगा और ना ही जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो यहाँ से मिलेगा, और ऐसे में आपको स्टेशन पर सबसे पहले पहुँचना होगा, उसके बाद आपको लंबी दूरी तय करना होगी, तब उसके बाद ही टिकट मिलेंगे। और ये देख पा रहे हैं कि लोग जो है पटरी पार कर रहे हैं, आखिरकार क्यों कर रहे हैं भैया? क्या परेशानी है, पटरी पार करके क्यों आ रहे हो आप? ये बंदे इतना परेशान है, पूरे ग्वाल टोली ऐसे गांव बना दिया है क्या, पूरे कितने 1-1.5 लाख पब्लिक है, और ये इतना ऐसा ब्रिज बनाया है कि इसकी जरूरत ही नहीं, कुतुब मीनार जैसा ब्रिज है ये, इसकी कोई जरूरत नहीं, और इतनी दूर बनाया है कि पूरे जनता परेशान इससे। तो क्या आप शॉर्टकट अपना रहे हैं? शॉर्टकट क्या है, आप कहाँ से निकले सर बताइए, आप उस पार से इस पार आने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सब लोग ऐसे ही आते जाते हैं? सभी लोग आ रहे हैं साहब, इस पार से उस पार रोज का काम है, स्कूल की बच्चियाँ तक जा रही है, उनकी परेशानी है, इनकी परेशानी है, और जितने भी यहाँ पे राजनेता कर है वो राजनीति कर रहे हैं सर, मगर कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है सर। बेटा क्या नाम है आपका? डिंपल यादव। आप ये पटरी पार क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं पार करने के लिए, ऐसे जाना पड़ता है हमें रोज। वो ब्रिज बनाया ना नया, इतनी दूर, उसमें आधा घंटा लगता है जाने में, आने जाने में। और कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, बस ये ब्रिज बनवा दो, यही है, पुलिया है वो भी पूरी खराब है। ऐसे ही पटरी से ऐसे जोखिम नहीं होता आपको? ऐसा डर नहीं लगता कि आप ट्रेन गुजर जाएंगे? देर होती है तो अब जाना पड़ता है, वो पुल इतना बड़ा है कि वहीं पे आधा घंटा लगता है रोज उसको पार करने में। ऐसा कितने दिनों से कर रहे हैं आप? हम जब से टूटा तब से कर रहे हैं, जब से ब्रिज टूटा है रोज स्कूल कोचिंग ऐसे ही जाते हैं। सारे बच्चे जाते हैं? सब ऐसे ही जाते हैं, सब जाते हैं। डर नहीं लगता आपको? लगता है, आप क्या कह रहे हैं, टाइम भी हो जाता है। दूसरा रास्ता है स्टेशन के अलावा? कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा ना? यही नहीं है, पुल है, बहुत दूर पड़ता है, 15 मिनट लग जाते हैं पुल कंप्लीट करने में। बच्चों की मजबूरियां हैं, अब आप ही बताओ क्या कह रहे हैं, मजबूरी इतनी है। पहले कैसे जाते थे जब ये? पहले तो पुलिस से ही जाते थे, तब इतनी परेशानियां नहीं होती थी, जब से टूटा है तो बहुत परेशानियां होती है।
तो यानी उसको रेलवे ब्रिज फुटओवर ब्रिज नहीं कहेंगे, उसको तो आम ब्रिज कहेंगे ना। आम तो बाहर की साइड भी है ना, उसमें दोनों तरफ बाहर एंड है उसके साइड निकला हुआ। ये तो केवल यात्री ब्रिज है ये वाला तो जी, ये केवल यात्री है और ये आम जनता के लिए था, बाहर निकल जाते थे इससे, कोई प्लेटफार्म में एंट्री ना हो। अभी तो हमने वो स्थिति देखी कि लोग होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से कैसे पटरी पार करके दूसरी पार जाते हैं। दरअसल ये रेलवे स्टेशन है, शहर के बीचों बीच है और लोग जो पहले ब्रिज का उपयोग करते थे, जो ब्रिज था उस ब्रिज से एंटर करते थे और सीधे जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतरने के बाद पार हो जाते थे ठीक है ना। आने वगैरह जाते, मंदिर घाट जाते, वो सब अभी पटरी पार करके जाना पड़ता मजबूरी में जी। चलिए अब हम बात कर रहे थे, चूँकि हम रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला है, यहाँ से जनरल टिकट नहीं मिला, यहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं मिला। अब हमको प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, उससे पहले हमको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचना होगा और जाहिर तौर पर यहां पर आपको रोका भी जा सकता है, लोगों की ये परेशानी है। अब जो बात कह रहे हैं आप, कितना चलना पड़ेगा हमको? चलना तो 1 किलोमीटर से ऊपर आधा घंटा लगता है पूरा, ये मैं चल के देखा हुआ मैंने, मैं क्योंकि मैं घूमने वाले आदमी में हूँ, सुबह शाम घूमता, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो मैं ये ब्रिज के चक्कर लगा पूरा आधा घंटा लगता, मैं घड़ी मोबाइल तो वो मैं तो चलता फिरता हूँ, इसलिए जो बेचारा चल नहीं पा वो कैसे जाएगा? सिर्फ राजनीति कर रहा है, बाकी कुछ मैं फिर बता दूं। दरअसल हम रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने निकले हैं, हमको टिकट चाहिए और उसके लिए बता रहे कि आपको 1 किलोमीटर चलना होगा, प्लेटफॉर्म पे हम उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हमको टिकट चाहिए जी। मिलती है 2 नंबर पे जनरल टिकट और वो। और सर ग्वाल टोली को तो बिल्कुल गांव बना दिया है और यहाँ के राजनेता सिर्फ अपनी वोट के लिए ही आते हैं, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। ये भी तो बोल रहे हैं रेलवे वाले कि ये तो ब्रिज तो पुराना हो गया था, टूट गया था। नहीं तो सर टूट गया तो नया भी तो बन सकता है। एक है रेलवे रूल में है, जहाँ 24 डब्बे की ट्रेन रुकती है उसके दोनों साइड पे 2 ब्रिज होना चाहिए, 2 फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए। ये तो केवल यात्री ब्रिज बना है, फुट ओवर ब्रिज नहीं है, इसको यात्री ब्रिज कहेंगे। हाँ, ये यात्री क्योंकि केवल 1 प्लेटफार्म से 2 नंबर पे जाने के लिए यात्री आ सकते हैं इसमें, इसमें कोई मतलब बाहर बहुत दूर से कम बाहर से कोई नहीं आता। पहले यहाँ ये ब्रिज था तो बाहर की साइड है, इससे हम हमारे। आपका क्या नाम है दादा जी? क्या नाम है आपका? सुरेश चंद मेहरा है, ग्वाल टोली वार्ड नंबर 33 संजय नगर होशंगाबाद जी। जी क्या कहेंगे, नया ब्रिज बना दिया रेलवे ने? क्या है मैं बताऊँ सर, ये 4 बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा, 4 बार नीचे आना पड़ेगा, फिर बीच में जाना पड़ेगा, ये समस्या बहुत बड़ी है। मतलब कोई भी हमारे आने जाने में, जैसे हम बुजुर्ग मालूम 60 की उम्र मेरी, मतलब इसमें क्रॉस करने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पुराना जो ब्रिज था वो बिल्कुल सही था सर, सही था जैसे काल में इसको तोड़ा गया है। क्यों तोड़ा गया? अब ये मजबूरी उन्होंने बोल दी, डैमेज बता रहे हैं रेलवे का कहना है। बता रहे हैं जी, क्यों बता रहे हैं? क्या मालूम क्या बता रहे हैं? कोरोना के क्या लग रहा है? कारण ये है कि ब्रिज में कार का कुछ भी नहीं था, ये तो फुल एक बहकावे के लिए क्या किया गया है, क्योंकि ये नया ब्रिज बन चुका है, इस कारण उसे तोड़ा गया है। नहीं तो जब पुराना था तो फिर नई की आवश्यकता क्यों पड़ी, सवाल ये है ना। कारण है सर, हमें को खुद नहीं बताया गया कि क्या क्या कारण है, कारण भी तो होना चाहिए ना कुछ। वो तो सब ठीक था ब्रिज तो, एक तो 1% ठीक था, ये अधिकारी लोग बताएंगे क्या कारण रहा है। और सर ऐसे टाइम कोई कोई चर्चा हुई अधिकारी, चर्चा हुई कोई? नहीं अधिकारी कोई चर्चा नहीं हुई, करवाया गया है अधिकारी को। अब हम मंडी जहाँ नर्मदा जहाँ रामजी बाबा जहाँ तो हमें जो पास पड़ता था, अब कहाँ से जहाँ, अब इस पे से हम यहाँ से पटली क्रॉस करते हैं तो इसमें वो पकड़ रहा था 100 रुपए जुर्माना, कहाँ से लाए? हम तो मजदूर आदमी है ना, तो दूसरा रास्ता होगा ना शहर का। दूसरा रास्ता जो पुलिया बना है तो वो पुलिया भी देखो आप। नहीं सर क्या है कि फुट ओवर है, उसमें रात बिरात हम कहाँ से आएंगे? जो है बाहर निकला हुआ था, बाहर से आदमी आता था, बाहर की तरफ निकल जाता था। इसमें सबसे ज्यादा महिला वर्ग और जो है ना बालिकाएं हैं, जो कोचिंग क्लास है सबसे, क्योंकि वाल्टोली के अंदर जो भी कोचिंग क्लास सब मार्केट की तरफ है, तो बेचारे बच्चे जो है वो रिस्क लेके जा रहे हैं भाई। इस तरफ क्योंकि किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि उनके माँ बाप यदि किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो क्या भाई किसका जाएगा भाई, उनके माँ बाप के बच्चों का जाएगा ना। एक ये सुविधाजनक था, इसको बाहर की बाहर निकल जाते थे महिला वर्ग और है ना बच्चे वगैरह,
उनको बहुत सुविधा थी। अब ये क्यों तोड़ा गया इसका कारण ही समझ में नहीं आता। ये नया ब्रिज बना है, कम से कम इसको बाहर तरफ से, दोनों तरफ से बाहर तरफ से एंट्री दे दें तो आम पब्लिक को फायदा हो जाए। इस ब्रिज से आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसको एंट्री नहीं कर सकते बगैर टिकट लेके। टिकट लेने भी जाना पड़ेगा तो फिर क्रॉस करते जाने का। रेलवे तो यही कहेगा ना, तो रेलवे का ब्रिज तो है केवल रेल यात्रियों के लिए है, आम यात्रियों के लिए थोड़ी है। मगर बाहर के लोगों के लिए भी तो आने जाने के लिए बाहर उतारना चाहिए ना ब्रिज। सभी जगह ऐसा किया गया पूरे देश में ऐसा। आपकी रेलवे है तो कुछ तो सुविधा बाहर वालों के लिए देना चाहिए ना। बनाई हुई है जंक्शन, इसको दोनों तरफ बता दें तो दोनों को इटारसी इतना बड़ा जंक्शन है, वहाँ भी लेके सुविधा दी हुई है, बाहर जाने के लिए सुविधा दी हुई है, भोपाल में दी सुविधा दी हुई है, विदिशा में, बासोदा में, बीना में, झांसी तक हर जगह लोग आ जा रहे हैं। आज आस पास जा रहे हैं बाहर वाले लोग आ जा रहे हैं, आम पब्लिक यात्री आ जा रहे हैं, इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये बताइए हमको कितना चलना है अभी? सर काफी चलना पड़ेगा, 400-500 कदम है अभी, काफी है सर, 500 कदम अभी है और ब्रिज काफी लंबा है सर, ब्रिज काफी लंबा पड़ता है सर, बहन बेटियों को सबको दिक्कत जाती है यहाँ से सर चलने में। देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत लग रहा है सर, मगर क्या देखने क्या खूबसूरत है सर, परेशानी तो बहुत ज्यादा है ना सर, लेडीज को परेशानी सही परेशानी सर। कोई एक भी आदमी उस पे से आते जाते नहीं देख रहा, आप कैमरा करिए देखिए, आप एक भी नहीं आ रहा ना जा रहा हो चुका ना ही आज तक इस पर से कोई किसी ने आना जाना किया, क्योंकि लगभग देखिए 5 राउंड ऊपर चढ़ना है, 5 राउंड इधर से चढ़ना है, बीच में से जाना, उतनी दूर जाना और जब जाके प्लेटफार्म। अभी अपन सब लोग चल रहे हैं, सब WT हैं प्लेटफार्म पे। अब एक बार फिर हम आपको बता दें कि हम जो नया ब्रिज बना है हम वहाँ पर हैं और हम देख पा रहे हैं कि अब तक हमको, चूँकि हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमको प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए, हमको भोपाल का टिकट चाहिए, तो हम कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे लेंगे, और ये देख पा रहे हैं कि नया ब्रिज बना है लेकिन फिलहाल हम ब्रिज की बात करें, लोग पटरी पार जरूर कर रहे हैं लेकिन ब्रिज पर सन्नाटा है, इस पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक भी आदमी नहीं आता, कभी किसी पे आता ही नहीं। ट्रेन रुकेगी, सारे यात्री उतर के इधर ही से जाएंगे, ट्रेन रुकेगी, सारे यात्री, इस पर से एक भी आदमी नहीं जाएगा, ये कोई काम का नहीं है, किसी के कोई काम का नहीं। आप देखिए ट्रेन आ रही है, थोड़ी देर बाद पूरे यात्री उतरेंगे, सब नीचे से आना जाना करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर से पड़ता है लगभग आधा किलोमीटर, 5 राउंड जाना, 5 राउंड आना, आधा किलोमीटर से ऊपर पड़ रहा है और वृद्ध लोगों के लिए परेशानी है, बताइए। और जब तक कोई बड़ा आंदोलन ना हो, जैसे राजस्थान में जाटों ने खाट बिछा दी थी पटरी पर, ऐसे यदि जब तक यदि यहाँ पर पटरी पर आंदोलन के लिए तो हम आपसे बात नहीं करेंगे कि आप आंदोलन करें, लेकिन हाँ, जो परेशानियां हैं लोगों की वो परेशानियां हम जरूर समझ रहे हैं, से निवेदन कर चुके हैं, सभी से निवेदन किया है, सांसद जी ने तो ये तक बोल दिया है कि विधायक की टिकट मिलना आसान है, मगर ये काम आसान नहीं है, तो विधायक की टिकट ही दिलवा दें, हम आसान काम हम खुद कर लेंगे फिर। हम ही खुद कर लेंगे, नहीं देंगे सर, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं बनेगा वोट तो। अब देखिए हम ब्रिज पर जो है जा रहे हैं, दरअसल हम जो मशक्कत कर रहे हैं वो मशक्कत कर रहे हैं हम टिकट के लिए। अब देखिए हम ब्रिज के स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रिज भी ऐसा नहीं है कि सीधा आप ऊपर चढ़ गए, काफी बड़ा ब्रिज बना है, तो है बहुत बड़ा ब्रिज है साहब, आप खुद देख लो, देखो ना आप कितना। साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश यादव जी, सुरेश यादव है मेरा नाम। आप कितना चलवाओगे हमको? सर जी चलने पड़ेगा, सब पब्लिक भी चल रही है सर, हमने आप भी चलोगे, हम भी चल रहे हैं और बच्चे भी चल रहे हैं, दुर्घटना भी हो रही है सर जी, जाने वाले जो जल्दी में रहते हैं पैर नीचे रह जाता है तो गाड़ी में जाते हैं वो, क्योंकि ब्रिज नहीं है, कोई आना जाना नहीं है सर जी, सभी लोग बहुत परेशानी है। सर हम लोग स्टेशन से ही ऑटो चलाते हैं, तो आप ऑटो चालक हैं जी, हम लोगों को जब से ब्रिज टूटा सवारी मिलना बंद हो गई है, ऑटो वालों का बेचारों का धंधा, बाकी के लोग बाग इधर उधर से चले जाते हैं मिल रही है, लेकिन हम लोगों का सवारी का जो बिजनेस था टोटल ठप पड़ा हुआ, ठप हो गया आपका जी सर, जब से ब्रिज टूटा है। नहीं तो ब्रिज के टूटने से आपकी सवारी पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा? जब से लोगों ने आना बंद कर दिया, इधर उधर से दूर दूर से कहीं से भी चले जाते स्टेशन से आर पार इधर उधर, जब पटरी पार करके चले जाते जी, हम लोगों को सवारी मिलना बंद हो गई है सर। कितने मंजिला है ये?
देखो ना तीसरी मंजिल आ गई यहाँ, देखो आप अच्छे शादी ब्याह जा रहे हैं, देख लो तीसरी मंजिल से आ रहा है। अब बेचारे जहाँ से वहाँ तक से निकल जाते थे, हाँ ये शादी ब्याह जा रहा है, अब हमारे मोहल्ले के पुलिया पानी भरा है, अब रास्ता कहाँ है, गाड़ी खड़ी हुआ तो उसमें जाम लग रही है, ये कौन करेगा? ये कौन सी पुलिया है? ये रेलवे की पुलिया है, आज की नहीं बहुत पुरानी है, अब तेरा उसमें तुम अंदर घुस के जाके देखो, रास्ता दूसरा रास्ता ये है निकलने का, उसमें पानी भरा पानी सर, इसमें जो है निकलते है तो एक गुन्ना पानी भरा रहता, निकलने में भारी समस्या होती है। पानी हम ठेला लेके तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता वो बना है आदमगढ़ में, एक नई पुलिया बनाई गई है, वो पुलिया दूर पड़ती है, पड़ने के बाद लोगों की परेशानी ये भी है, ये पुलिया है रेलवे की तरफ से पानी निकलने की है, ये आदमी हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसका, वो तो ये केवल पानी निकलने की पुलिया है, हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको हमारे लोगों ने इस वक्त पिछले साल 67,000 रुपए लगा के रोड बनाया था इसमें, नहीं तो ये नाली थी पूरी, हमारे ये रूसिया परिवार ने उसमें बनवाया था, जबकि वो केवल रेलवे की तरफ से पानी निकलने की पुलिया, आप लोग उसका उपयोग करते हैं आने जाने, वो उनकी तरफ से कोई उसमें उभर रहे हैं। अभी हम बात करें तो अभी हम उस पार नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हम चल ही रहे हैं, ये कौन सी पांचवी मंजिल पे पहुंचे, पांचवा स्टेप पूरा किया इसका, तो कुल कितने मिनट लगेंगे हमको पार होने में? उस गेट से लेके उस गेट तक जाने में पूरा आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है उस गेट से, जैसे अंदर हुए पूरा प्लेटफार्म चला फिर ये चले और वो गेट पे बाहर हुए तो आधा घंटा पूरा लग जाता है, पर यदि भीड़ हो प्लेटफार्म पे तो ज्यादा टाइम लगता है, खाली प्लेटफार्म का है। क्या भैया लिफ्ट का क्या हुआ, बंद है क्या? काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है, क्या खराब है क्या? हाँ अभी बंद हुई है। कितने लोग यूज करते हैं लिफ्ट को? पता नहीं, चालू नहीं है, चालू नहीं है, बाहर के लिए थोड़ी है, अंदर के लोगों के लिए प्लेटफार्म से जो अंदर। अब हम देख पा रहे हैं कि अब हम जो है एक स्टेप हम पूरा कर चुके हैं ब्रिज का, आप ये देखिए साफ तौर पर कि काफी घूमने के बाद काफी चलने के बाद हम जो है आधा सफर जो है तय कर चुके हैं, हमको चाहिए प्लेटफॉर्म टिकट। और चलिए जो ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है, ट्रेन से लोग तो यात्री उतरे होंगे यहाँ से, तो ब्रिज से नहीं आएंगे क्या ये लोग? ट्रेन आने के बाद एक भी व्यक्ति नहीं आया सर अभी ब्रिज पर, ट्रेन आने के बाद एक भी व्यक्ति इस ब्रिज पे नहीं आया है, आपने इस बात का ध्यान दीजिए, मतलब ये कुछ काम का नहीं रहा हम लोगों के लिए, जिससे हमें इतनी परेशानी होती है जिसकी हद नहीं सर, एक भी व्यक्ति नहीं आया अभी तक, और ट्रेन भी चली गई है अभी तक, एक दो व्यक्ति को तो आ जाना था, एक भी व्यक्ति नहीं आया, मतलब यात्री यदि। अब हम जो है ब्रिज से अब नीचे उतर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये साफ तौर पर कि अब हम नीचे की ओर चल रहे हैं। दादा अभी क्या आधा सफर पूरा हो गया जी? आत्माराम भरवान जी, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा सर हो गया, पांचवी मंजिल पे आधा सफर पूरा हो गया अपना, गाड़ी काफी दूर पहुंच गई सर, अभी अभी गाड़ी मतलब है ना, यात्री यदि आता है तो उसको ट्रेन नहीं मिलती है इस ब्रिज के चढ़ने से, जिसमें वृद्ध और महिलाओं को तो काफी दिक्कत होगी उनको चढ़ने, ब्लड प्रेशर वाला है, बीपी वाला है, तो बीमार व्यक्ति कैसे इस ब्रिज को वो कर पाएगा? अपन ने मोदी जी को ले देख के राष्ट्रहित में लोगों ने मतदान कर दिया, एक किलोमीटर चलना होगा, अपन ने देख लिया है ना, गाड़ी हिट गई ना, हाँ मैं तो सब्जी बेचता, मेरा कोई ठिकान नहीं, मेरा कोई दूर मंडी पड़ रही, उसमें पैसे लग रहा है 20 रुपए जाने के 20 आने के, प्लेटफार्म टिकट लाऊं 10 रुपए लगेंगे, मेरा का मैं कहीं नहीं रहता, ग्वालटोल संगाबाद वार्ड नंबर 30 मकान नंबर 254। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या? ये इतना घूम के इतना बड़ा क्यों मनाया गया है सर? ये पता नहीं, ये तो क्यों मनाया रेलवे ने, क्या सोच के मनाया? आपने कभी जानना चाहा सर क्या प्लानिंग थी? कुछ मतलब कुछ पता नहीं लगा कि क्या बताया, तो क्यों मनाया इतना बड़ा,
इतना पैसा लगाया, 7 करोड़ बनाया था इसने, रेलवे ने लगाया 7 करोड़ लगा दिया। जवाब तो देखिए आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि दरअसल एक सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिरकार जो रेलवे के फुट ओवर ब्रिज है इस तरह के नहीं हुआ करते हैं, लेकिन इसमें जो डिजाइन है इस तरह की क्यों बनाई गई है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जो ब्रिज बनाया गया है इस शेप में क्यों बनाया गया है। और अभी हम बात करें, अभी भी हम जो रेलवे टिकट लेने के लिए हम बात कर रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म टिकट लेना चाहते हैं, यहाँ पर भी हमको नहीं मिल सका है। काफ़ी मशक्कत के बाद हम अब ब्रिज से नीचे आए हैं। हम मेन मार्केट, आप कहाँ तक चलना पड़ेगा सर? आप सतरस्ता चलो भाई, यहाँ से हमें मेन मार्केट जाना है, यहाँ से जाएंगे जाना है तो क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। यहाँ कम से कम नहीं तो जाएंगे मेन मार्केट, यहाँ से कम से कम 2 लाख आदमी की आबादी है और हर आदमी यहाँ से मेन मार्केट जाता, नर्मदा जी जाता और अस्पताल जाता है, तो हमको जाने आने में असुविधा इतनी है कि हमने अपना शहर ही अजनबी लगने लगा। कोरोना काल चला जब से ये ब्रिज कोरोना काल में तोड़ दिया गया और उस समय से सब लोग आदमी अंदर भरे थे अपने अपने घर में, उस समय इनने गुप्त में ये रेलवे ओवरब्रिज तोड़ दिया। अब उस समय कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई घर से निकल नहीं रहा था और आज इतनी कम से कम डेढ़ करोड़ जनता को परेशानी झेलना पड़ रहा है इस कारण से रेलवे की ज़्यादा है जनता। बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को, यहाँ से वहाँ तक आने जाने। तो ये नया ब्रिज क्यों बनाया, क्यों गया, कुछ जानकारी है? नहीं सर, उसका कोई जानकारी नहीं। जानना चाहा आपने? नहीं, अब मैं क्या है कि अब इस उम्र में निकलता नहीं। जो स्ट्रक्चर आप समझ में आ रहा है, इतना बड़ा घूम के जाना है, घूम के चढ़ना है, ऐसा क्यों है? बहुत कैसी प्रक्रिया है, क्या कह सकते हैं? रेलवे का कोई नहीं समझ पा रहा है। नहीं, अब मेरा क्या है कि आना जाना बहुत कम होता है जी, वो तो जनता से पता लगता है कहाँ से कैसा क्या। तो अब हम पहुंच चुके हैं वहाँ पर जहाँ पर कि हम टिकट हमको मिलेगा। हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हैं, 1 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र है और यहाँ आने में पूरा हमको आधा घंटा लगा है। कहाँ है रेलवे स्टेशन पर कौन है मौजूद अभी? ये हमने देखी, जो लोग बता रहे थे कि परेशानी है नए फुट ओवर ब्रिज से। दरअसल लोगों का कहना है कि ये रेलवे का ब्रिज है, काफ़ी ज़्यादा लागत का ये ब्रिज बना हुआ है, लेकिन ये नया ब्रिज बनने और पुराना ब्रिज बंद होने, उसको तोड़ने के बाद ये नई परेशानी खड़ी हो गई है। तो आधा घंटा मैंने पहले बोला था, आधा घंटे से ऊपर लगता है इस तरफ इस तरफ आने में। जब हम रोज चलते हैं, रोज चलते हैं, तब इतना टाइम चला दिया आपको। आज परेशानी हमें दी, प्रतिदिन परेशानी हो रही है और बच्चों को, मोहल्ले के और कॉलेज जाने वाले बच्चियों को और स्कूल वाले बच्चों को और बीमारों को और नर्मदाई जाने वालों को जो परेशान है। आपको एक दिन में परेशानी होने लगी, तो हमें तो इतने दिन से भुगत रहे हैं। देखिए बिल्कुल, लोगों की परेशानी यही है कि हम एक दिन में परेशान हो गए, हमको प्लेटफॉर्म टिकट लेने की खिड़की तक पहुँचने के लिए आधा घंटा पैदल चलना पड़ा, 1 किलोमीटर से अधिक चलना पड़ा और हम नए ब्रिज की बात करें तो काफ़ी घुमावदार ब्रिज है, ब्रिज को हमको पार करना पड़ा। लोगों की ये हर दिन की परेशानी है, जाहिर तौर पर है, लोग इसलिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24, नर्मदापुरम।